वैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हमें पता है। रिप्रोडक्शन एक तरीका है, एक उपाय है जिससे जीवित पदार्थ खुद को अब तक बरकरार रख पाया। जीवन कब शुरू हुई? 3.7 बिलियन साल पहले। इतने संकट आए, इतनी आपदा आई, चीज़ें तहस नहस हुई, लेकिन अगर आज भी आपको जीवित पदार्थ धरती पर भटकते दिख रहा है तो वो रिप्रोडक्शन के कारण ही हो पाया है। रिप्रोडक्शन जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, फिर से बनाना। तो हम सब ने पढ़ा है कि दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ एक ऑर्गेनिज्म से ही दूसरा बन जाता है, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ दो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे हम। लेकिन अगर आप देखो तो जो अल्टीमेट है, जो एक्चुअली हो रहा है, जो जीवित चीज़ों को बड़ा कर रहा है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जब गैमेट्स फर्टिलाइज हो जाता है, जब जायगॉट बन जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहाँ से जायगॉट भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, फिर बॉडी फॉर्म आता है। और ये ज़िंदगी भर होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे अंदर। अपने अगल बगल आप देखो, हर वो चीज़ जो जिंदा है उसके अंदर सेल्स रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। यहाँ जब से जीवन शुरू हुई है तब से सिर्फ रिप्रोडक्शन ही हुआ। हम लोग सब जीते जागते चलते फिरते रिप्रोडक्शन फैक्ट्री है। इसी चीज़ को डीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से रिचर्ड डॉकिंस बोलते हैं सर्वाइवल मशीन। हम लोग अपने अंदर के डीएनए को प्रिजर्व करते हैं, फिर पास ऑन करते हैं, और फिर हमें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, मर जाते हैं हम।